आपको बता दें, अग्रिम आदेश 21 सितंबर तक स्कूलों को खोलने हुए उन्हें आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया अग्रिम आदेश आने तक कोई भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यहां तक कि उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड के सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और बच्चे हमारे प्रदेश के भविष्य हैं। हम इनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोई ऊपर से आदेश नहीं आ जाते और स्थिति क्षेत्र की सामान्य नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह से स्कूल विद्यालय बंद ही रहेंगे। वहीं सभी अभिभावकों से विशेष अपील भी की और बताया कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड से धर्मपाल सिंह की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए जो स्कूल खोलने का निर्णय है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूलों में जाने का निर्णय ऐसा हमको प्राप्त हुआ है, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त अभिभावकों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के और देश के भविष्य हैं। वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते और मैं चाहता हूँ इस संक्रमण को फैलते हुए इसको प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, मैं अग्रिम आदेशों तक 21 सितंबर को जो स्कूल खुलने का है मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए 21 सितंबर से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूल जाने का निर्णय है अभी उसको वापस लिया जाता है और कोई इस प्रकार का अभी आदेश